दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल काफी रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और दोस्तों भारतीय टीम की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली आते हैं, और विराट कोहली भी इस मैच में फ्लॉप हो जाते हैं और मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा का बल्ला शांत नहीं रहता और उन्होंने 39 गेंदों में 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं दोस्तों बीच में विराट कोहली और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसमें दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेली। वही दोस्तों हार्दिक पांड्या ने मात्र 13 गेंदों में 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और वही दोस्तों लास्ट में अक्षर पटेल और जडेजा ने भी कुछ शानदार शॉट लगाए। दोस्तों इन्हीं पारियों के बदौलत भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 7 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का टारगेट रखा। और दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड टीम मात्र 103 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों भारतीय टीम यह मैच 68 रनों से जीत जाती है और फाइनल में प्रवेश कर लेती है।